मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है, आपका स्वागत है स्काई मेट वेदर में। 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में पूरे भारत में 29% ज्यादा बारिश हुई है। और अगर देखा जाए तो किस राज्य में कैसी बारिश हुई है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश काफी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश रेन डेफिशिएंट है, 38% कम है। उसी तरह से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके भी रेन डेफिशिएंट हैं, लेकिन बाकी जो इलाका है जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड है, बिहार है और सिक्किम, इसके साथ साथ मेघालय और असम, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। और उसी तरह से अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सभी जगह पर लार्ज एक्सेस या एक्सेस बारिश हुई है। केवल 2 इलाके हैं, यानी कि एक तो है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है। यानी जो पश्चिम विक्षोभ हैं उन्होंने जो बारिश दी है इन इलाकों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश कम दी है। उत्तराखंड में ठीक ठाक बारिश हुई है। और अगर और दक्षिण की तरफ चलते हैं हम और नीचे देखते हैं तो देखिए सेंट्रल इंडिया में केवल एक गोवा है जहाँ पर बारिश कम हुई है, बाकी सब जगह लार्ज एक्सेस बारिश हुई है। अगर देखा जाए तो दमन और दीप में 9,186% ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है, इसीलिए 0.9 मिलीमीटर ही हुई है। और अगर ये देखें हम तो गुजरात में 6,576% ज़्यादा बारिश हुई है। वो आंकड़ा इतना ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है कि इस समय गुजरात का मौसम आमतौर पर मार्च के महीने में शुष्क रहता है, तो 0.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, 13.4 हुई है, इसीलिए ये आंकड़ा इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अंडमान और निकोबार में बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई है, और उसी तरह से केरल में और लक्षद्वीप में बारिश कम हुई है, बाकी सब इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार प्री मानसून जो गतिविधियाँ हैं बहुत ज़्यादा रहीं और कई इलाकों में रहीं। तो इतना ये अनसीजनल रेन इसको कह सकते हैं कि क्या होता है कि प्री मानसून गतिविधियाँ मार्च के एंड में, वैसे तो प्री मानसून मार्च, अप्रैल और मई को कहते हैं, लेकिन जो सही महीने में प्री मानसून गतिविधियां यानी धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बौछार, ओलावृष्टि, ओले गिरने और जो बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, वो अप्रैल में जाकर के शुरू होती है, क्योंकि मार्च में इतना ज्यादा तापमान नहीं बढ़ता। लेकिन इस बार हमने देखा कि फरवरी में ही तापमान बढ़ने लगा था, 40 डिग्री तक तापमान कई इलाकों में पहुंच गया था, 38-39 तो था, यानी कि जो बसंत ऋतु है वो गायब होकर के सीधा तापमान बढ़ गए थे। अब जो मार्च का महीना था, पहला हाफ था, वो 15 तारीख तक मार्च भी बहुत ज्यादा गर्म था, कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही ये जब कोई वेदर सिस्टम बने, आपने देखा होगा कि उस समय पश्चिम विक्षोभ बना हुआ था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए थे और हवाएं ये एंटी साइक्लोन 2 बने हुए थे, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही थी, तो इतने सारे जो वेदर सिस्टम थे उसके कारण इतनी ज़्यादा बारिश हुई। और आमतौर पर हम देखते हैं कि मार्च में ओले नहीं गिरते हैं, लेकिन इस बार ओले इतने ज़्यादा गिरे। अब 2 दिन पहले आपने देखा कि बीकानेर और उसके सूरतगढ़ वगैरह में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है, और राजस्थान के तो बहुत सारे इलाकों में इतने ज़्यादा ओले गिरे हैं, इतनी तेज़ हवाएं चली, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और बदकिस्मती से हमारे एक किसान भाई ने सुसाइड भी किया है, जो कल की न्यूज़ मैंने देखी थी उसमें, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर ये चाहे कितना भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपनी जान मत लीजिए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उनका भी आपको सोचना जरूरी है। हिम्मत रखिए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन हमें हिम्मत रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि अपने जो मार्जिनल किसान है, जो कमज़ोर किसान है, उनका थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा उनको जो पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते या जिनको नहीं पता लगता, अगर आप वीडियो देखते हैं, हमारे देखते हैं या मौसम विभाग के किसी के भी देखते हैं, तो जो भी जानकारी मिलती है तो उन तक पहुँचाइए, जिससे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। हालांकि जो बारिश है उसको तो हम नहीं रोक सकते, केवल हम बता सकते हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दूसरे की इस तरह से जानकारी दे करके हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख में कम बारिश देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, तेज़ हो सकती हैं, उसके बाद कम हो जाएंगी। और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 30 तारीख को पहुंचेगा और 31 मार्च और 31 की रात से ही शुरू हो सकती है, 31 मार्च और 1 अप्रैल तक बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके, गुजरात के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये जो छत्तीसगढ़ वगैरह को प्रभावित कर सकता है। और उस समय जो मौसमी गतिविधियां होंगी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाने की काबिलियत रख पाएंगी, और ये जो मौसम है वो इन सारे इलाकों को एक बार फिर से कवर कर सकता है। यहाँ तक मतलब ये
जो 30 और 31 और 1 तारीख को जो बारिश होगी वो इन सारे इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो ये पहले से मैंने बता दिया है आपको कि जो जो आपके पास 29 या 30 तारीख का समय है उसके बाद दो दिन के लिए मौसमी गतिविधियां होंगी। 31 को थोड़ी कई इलाकों में होंगी, छुटपुट होंगी, खंड वर्षा होगी, और 30 एक अप्रैल होते होते ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास चली जाएंगी, और 2 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा। फिर 4 और 5 तारीख को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ होगा जो उत्तरी भारत में ही बारिश की गतिविधियां देगा और पहाड़ों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो, यानी कि 30 की जगह वो हो सकता है 31 को, 31 एक तारीख को हो, अगर इधर उधर शिफ्ट होती है तो उसके बारे में हम लगातार कोशिश करेंगे आपको सही जानकारी देने की। लेकिन अभी अपने दिमाग में ये रखिए कि 31 तारीख और 1 तारीख को उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं। तो तब तक के लिए 29 तारीख तक के लिए मौसम साफ रहेगा, गर्मी रहेगी, मौसम जो तापमान है वो बढ़ने लग जाएंगे, और उसी तरह गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश के पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश से मध्य जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के वहां तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन ये जो ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ के पूर्वी इलाके और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें बारिश होगी। और 24 घंटे के बाद हो सकता है कि 26 तारीख से के बाद से 27-28 तारीख को ये सारे इलाके यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साफ हो जाएंगे। केवल जो पूर्वी तट है यानी गंगे, पश्चिम बंगाल से लेकर तटे उड़ीसा, तटे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इन इलाकों में बारिश रहेगी 29 तारीख तक, और 30 तारीख तक भी रह सकती है। लेकिन फिर 30 तारीख और 30 तारीख की रात से 31 और 1 तारीख को इन इलाकों में बारिश दिखाई देगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हो सकती है, खास करके अरुणाचल प्रदेश और असम में, सिक्किम में भी छुटपुट बारिश हो सकती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश होगी, एक आध जगह पर मेघगर्जना हो सकती है। और अगर महाराष्ट्र की ज्यादातर इलाकों की बात करें तो ये भी साफ रहेंगे, कर्नाटक और जो केरल है ये पूरी तरह साफ रहेगा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।